हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अजय, स्वागत है अपने चैनल जी के वाई एम्पोरिया में। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में जो नीचे बेल आइकन है उसे भी ऑन कर ले ताकि आपको वीडियो अपडेट सर्वप्रथम मिले। शुरू करते हैं आज का 17 मार्च का करंट अफेयर के वीडियो के साथ। और क्वेश्चन नंबर एक है अपना, वो है अल नगा 2019 नामक जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, तो वो भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ था? तो वो हुआ था ओमान और भारतीय सेना के बीच। इंडो ओमान संयुक्त सेना अभ्यास अल नगा थर्ड 2019 रॉयल आर्मी ऑफ ओमान RAO और भारतीय सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका शुभारंभ HQ जबल रेजिडेंट निजावा ओमान में हुआ। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ था वो अभी 25 मार्च तक चलेगा। अपन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर दो। दो नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सेना अभ्यास समिति 2019 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच। और जो ये सैन्य अभ्यास संप्रीति जो एट है वो 14 मार्च 2019 को तेंगल बांग्लादेश में अभी संपन्न हुआ है। 14 मार्च को कब हुआ था? ये 14 मार्च को हुआ था। आठवां जो है युद्धाभ्यास अभी 14 मार्च को तेंगल जो बांग्लादेश में है वहाँ पर संपन्न हुआ था। और भारतीय सेना की ओर से राजपूताना रिफाइल्स की 9वीं बटालियन की कंपनी ग्रुप तथा 36 ईस्ट बंगाल बटालियन बांग्लादेश की कंपनी ने इसमें भाग लिया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास की संप्रति श्रृंखला 2009 में प्रारंभ हुई थी और यह उसका 8वां अभी तक का अभ्यास है। और अभी देखें क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है, MPATGM रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक खालिस्तान है, तो वो क्या चीज़ है? वो है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसके द्वारा विकसित है। युद्ध में टैंक को नष्ट करने के लिए DRDO द्वारा विकसित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भारत ने राजस्थान के पोकरण में भी, जो पोकरण रेंज है राजस्थान की, वहाँ पर 13 मार्च को सफल एक परीक्षण किया था। इससे भारतीय थल सेना की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार। चार नंबर क्वेश्चन है, भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम पर पहली कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ हिस्सेदारी में किया था? तो वो किया था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के साथ संयुक्त साझेदारी में इसे किया है। नीति आयोग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारत प्रारूपण फोरम में पहली कार्यशाला आयोजित की। ये फोरम भारत के ऊर्जा भविष्य के विचारों में आदान प्रदान और योजना निर्माण के लिए एक मंच है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी पाँच। पाँच नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो वो जारी की गई थी UNEP द्वारा, यानी इसकी फुल फॉर्म होगी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट का छठा जो संस्करण है ये जारी किया गया। अभी छठा संस्करण रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में होने वाली 1/4 अकाल मौतों और बीमारियों का एक बड़ा कारण मानव जनित जो प्रदूषण और पर्यावरण क्षति है वो है। 2015 में लगभग 9 मिलियन मौतें इसी कारण से हुई है। आज का जो क्वेश्चन नंबर है सिक्स, वो बताएंगे हम कि वह किस दिवंगत सैद्धांतिक भौतिकवादी भौतिकविद के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम में नया ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया? तो वो किसके सम्मान में किया गया है? वो किया गया स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में, विश्व के जो प्रसिद्ध अपने वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग, उनके सम्मान में रॉयल मिंट में 50 मेस का एक नया सिक्का जारी किया गया। इस सिक्के को ब्लैक होल सिक्का नाम दिया गया है। ये सिक्का स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च से प्रभावित है। रॉयल मिंट द्वारा इससे पहले जाइक न्यूटन चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्के जारी किए जा चुके हैं। और जो कल के वीडियो का क्वेश्चन था वो है, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित में से मतदान प्रणाली कौन सी है? तो वो आपको बताना है। तो वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये जो अपनी प्रणाली है इसे बोलती है FPPP प्रणाली, और ये सरल बहुमत प्रणाली के रूप में जाना जाता है इसको। इस मतदान पद्धति में एक निर्वाचन क्षेत्र में इस सबसे अधिक वोटों वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। यह प्रणाली भारत में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के प्रत्यक्ष चुनाव में उपयोग में ली जाती है। और आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो है कि बताना है कि आपको वर्षाधारी नमक परियोजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है?
केरल, कर्नाटक, गोवा या हरियाणा सरकार द्वारा। आपको अपने ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से किसी एक को बताना है। और नीचे इसके लिए आपको कमेंट में बताना है ए बी सी डी। अगर आप किसी इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी नीचे डिस्क्रिप्शन है, और फेसबुक अगर यूज़र है तो उसकी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।